रिपाई पार्टी आठवले गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले रविवार को नागपुर में पत्र परिषद लेकर कई विषयों पर मीडिया से बात की। इस वक्त उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए विकास कामों को गिनाते हुए जनता के सामने जाने की बात की है। इस वक्त उन्होंने विरोधियों पर भी कई तीर दागे हैं। रविवार को एक कार्यक्रम के लिए नागपुर आए थे, जिसके बाद आयोजित पत्र परिषद में पत्रकारों ने भाजपा नेता हेड़के के संविधान बदलने संबंधित वक्तव्य पर सवाल किया था। आठवले ने कहा कि जिन्होंने संविधान को सिर पर रखा वे संविधान बदलने का विचार कैसे कर सकते हैं? हेगड़े की यह भूमिका ही भाजपा विरोधी है, उन्हें भाजपा को समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान बिल्कुल बदलेगा नहीं, अगर ऐसा विचार भी किया जाता है तो मैं इस्तीफा दूंगा। आठवले ने कहा कि कांग्रेस युग खत्म हो गया है, अब एनडीए का युग है। इंडिया अखाड़े के पास कोई नेतृत्व नहीं है। नरेंद्र मोदी सर्वधर्म समभाव के प्रतीक होने से उनके नेतृत्व में एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगी। पत्रकार परिषदेला निवेदन करती नागपूर मधील सर्व पत्रकार आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत। एका पूर्वी ठरल्याप्रमाणे मी एका कार्यक्रमासाठी इथं आलो होतो। चंद्रबुधी पाटील हे बुधी सोसायटी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, आणि त्यांचा अमृत महोत्सवाचा कार्यक्रम यापूर्वी जो ठरला होता त्याप्रमाणे आज मी मुंबईवरून सकाळीच नागपूरमध्ये आलो, आणि ज्या ज्या वेळेला मी नागपूरमध्ये आलो त्या त्या वेळेला आपल्याशी मी संवाद साधलेला आहे, आणि आपण आपल्या आपल्या मीडियामध्ये बातम्यासुद्धा छापलेल्या आहेत। एक तर 2024ची जी लोकसभेची निवडणूक आहे, ही निवडणूक ही लोकशाहीला मजबूत करणारी निवडणूक आहे। ही जी निवडणूक आहे, निवडणूक हुकूमशाहीला प्रोत्साहन देणारी निवडणूक नाही, तर जनता ज्यांच्या पाठीमागे असते त्यांना सत्ता मिळते। आजपर्यंत काँग्रेसच्या पाठीमागे जनता राहिली। आठवले ने कहा कि रिपाई के लिए शिरडी और सोलापुर की सीट मांगी है, इसमें से कम एक सीट मिलने की उम्मीद है। अगर एक सीट नहीं भी मिलती है तो भी भाजपा के साथ ही रहेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपाई भाजपा के साथ है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।